अस्सलामु अलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैटरडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 20 है एंट्रोपी एंड द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। प्रॉब्लम 42 है। वो कहता है पावर रेफ्रिजरेटर की 200 वाट है, फ्रीजिंग कंपार्टमेंट 200 केल्विन पे है, आउटसाइड 300 केल्विन है, एफिशिएंसी जो कॉर्नेट की है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक्सट्रैक्ट की जा सकती है एज अ हीट, यानी मिनिमम आपके पास क्यू एल मांग रहा है 10 मिनट के अंदर। अब हम जानते हैं कि भाई कोफिशियंट बराबर होता है क्यू एल बाई डब्ल्यू के, कोफिशियंट बराबर होता है टी एल ओवर टी एच माइनस एल के। तो यहाँ से अब आपने किया क्या, क्यू एल निकालना है तो के डब्ल्यू हो जाएगा और के की वैल्यू हम ये प्लेस कर देंगे, पावर यहाँ से निकल आएगी, वर्क निकालना है तो हमें पी टी क्योंकि पावर दी हुई है, टाइम दिया हुआ है तो वो वैल्यू प्लेस कर दी। अब हमें क्या क्या पता है, हमें सारी के की वैल्यू इस फार्मूले में लगाई जा सकती है 270 और 300 के साथ। हमें पावर पता है 200 वाट है, टाइम 10 मिनट है, मिनट्स के सेकंड बना लेंगे तो ये आपके पास 1.08 × 10⁶ जूल के करीब आ जाएगी, इतनी हीट 10 मिनट में एक्सट्रैक्ट हो। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।